समाज की कुरीतियों और दुखदायी खबरों से हमारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर भरे पड़े रहते हैं और इसे देखते देखते सुनते सुनते हम लोग भी इसके आदि हो जाते हैं और इसे मामूली घटना ही समझकर बस पढ़ लेते हैं और उसके बाद से उसे भूल जाते हैं कि चलो जिस पे पड़ा है उस पे पड़ा है। लेकिन ये भूल जाना एक दिन आपकी बारी का भी आप लोग इंतज़ार करेंगे, ये आपका भूल जाना और समाज के प्रति जागरूक नहीं रहना। चलिए, मेरा नाम है मंतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं बसंत बिहार। आज की एक खबर है, उस खबर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये खबर जो है ये लोभ से प्रेरित खबर है। जहाँ कहीं भी इस तरह की खबर बनती है वहाँ पे लोभ और लालच अपने असीमित दायरे में होता है। चलिए, महमदपुर थाने के जोगीराहा गांव में दहेज को लेकर एक औरत को पीट पीट कर मार दिया जाता है। हमारे हाथ में प्रभात खबर है 29 दिसंबर का, इसमें शीर्षक है दहेज लोभियों ने बहू को मार डाला। महमदपुर थाने के जोगीराहा गांव में एक बहू को इसलिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि दहेज के लोभियों जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती है। लड़की है इसमें अफसाना खातून, जो जामो थाने की है, उसके पिता हैं मनीप मियां और उसकी शादी होती है जोगीराहा गांव में, उसके पति का नाम है निजामुद्दीन मियां। अब इसमें जहां तक पेपर का कहना है कि दहेज की वजह से रविवार 27 दिसंबर की रात को परिजन जो है वो उस औरत को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं, जिस तरह से इसमें कहा गया है। और ये जो शादी है आज से 5 साल पहले हुई थी और जब एक दिन के बाद 28 दिसंबर को जब पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है तो शव को बरामद में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद से वहां से घर से सभी लोग फरार पाए जाते हैं। लेकिन उसका जो पति है निजामुद्दीन मियां, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद से जो मृतका के पिता हैं, जो आरोप उन्होंने लगाया दहेज के डिमांड के लिए, वो आरोप पुलिस दर्ज कर लेती है और उस आधार पर वो अपना छानबीन और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। राम प्रवेश जी, पूरी न्यूज आपको समझ में आ चुका होगा, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये घटना लोभ और लालच में जी एक दरिंदा समाज का विकृत रूप, जी जी यही कहा जा सकता है जी, क्योंकि सब कुछ जब लोभ और लालच ही हो जाए, एनी हाउ जब धन की इच्छा हो, सुविधाओं की इच्छा हो, विलासिता की इच्छा हो जी जी, और कर्म कुकर्म धर्म धन का कोई मायने ही नहीं रह जाता है, तो समाज ऐसी घटनाओं को बार बार सहने के लिए विवश होता है, ऐसी घटनाओं से बार बार आहत होता है और हम सब बार बार देख ही रहे हैं। बराबर अखबारें भरी पड़ी रहती हैं इस तरह की घटनाओं से और पढ़कर दिल को गहरी चोट पहुँचती है जी। तो इस तरह से एक घटना, हालांकि वहां के स्थानीय पत्रकार से जब हमारी बातचीत हुई तो उन लोग वो हमें ये भी जानकारी उन्होंने दिया कि 5 साल उनकी शादी को तो बीत चुके थे लेकिन उनको कोई औलाद नहीं था। राम प्रवेश जी, क्या एक ये भी वजह हो सकता है? हाँ, ये भी वजह हो सकता है कि औलाद नहीं था जी। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी समाज का एक बदरंग विकृत चेहरा सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से जगहों पे आता है। हाँ, कि जब हम लोग ये मान चुके जब थे, औरत और मर्द को बच्चा नहीं होता है, औरत को बच्चा नहीं होता है, तो जितना जवाबदेह उसके लिए औरत है उतना ही जवाबदेह मर्द भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन इसमें जो हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है वो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जवाबदेही औरत को ठहराया जाता है, क्योंकि इसलिए कि वो कमजोर है। देखिए, पहले ये मान्यता थी, समाज में लोग शिक्षित नहीं थे तो लोग मान लेते थे कि बच्चा नहीं होने के कारण औरत है जी, औरत बांझ है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा जी, है जी। भाई पुरुष तो हर तरह से फिट है जी, लेकिन ऐसी बात नहीं। आजकल
आज क्या, आज से बहुत दिनों पहले से मेडिकल साइंस से पता लग जाता है कि भाई किसके अंदर बीमारी है, किसके अंदर खामी है। जी जी। दूसरी तरफ एक थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि अगर बच्चा नहीं होने का कारण औरत ही है, पत्नी ही है और वो लाइलाज है उसका बीमारी, जी, जी। तो क्या यही इसका निदान है कि उसको मार डाला जाए? जी, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और इस पर सख्त एक जान के लिए, एक बच्चे के लिए एक जान की बलि चढ़ा दी जाती है, सख्त से सख्त प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और प्रशासन की ढिलाई ही है कि आज रफा दफा करने की प्रवृत्ति ही है कि आज दरिंदों का मन इतना बढ़ गया है कि आए दिन दहेज लोभी या जो है सो मन बढ़ुए दरिंदे इस तरह की घटनाएं करते हैं, अंजाम देते हैं। जी, एक और खबर की अगर हम चर्चा कर ले तो दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता को जला दिया गया। अब दोनों में उसके बाद से प्राथमिकी दर्ज हो गई। ये उचका गांव जो है वहां का मीरगंज थाने के अंतर्गत जिगना गांव है, वहां की ये घटना है, जहां पे घटना है जी जी जी, जिसमें विवाहिता को जिंदा जलाया है दरिंदों ने। और क्या नाम दिया जाए, वैसे हैवानों को क्या नाम दिया जाए, अब तो ये समझ में नहीं आता है। और 10 माह पहले ही इनकी शादी हुई थी, और कार की डिमांड कर रहे हैं। भाई जब कार पे चढ़ना है तो खुद की कमाई की चढ़ो ना। एक मानसिकता ये भी बन गई है कि जितनी ख्वाहिशें हैं वो बस दहेज से पूरी कर। जी जी। और अपने आप पे कोई भरोसा नहीं। लड़की के परिजनों को एक दिन के बाद पता चलता है कि भाई इस तरह का घटना हो गया है, वो भी कोई अनजान व्यक्ति उनको सूचना देता है कि भाई इस तरह का घटना हो गया है, आप आकर देखे। तो वहाँ पे जब वो उस लड़की के यानी अपने दामाद के यहाँ जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पे तो उनकी लड़की है ना, और उसकी लाश को भी बॉडी को भी जला दिया गया होता है। तो इस तरह कितनी गलत है, कितनी विकृत है कि बहू को एक मन मांगी मुंह मांगी मुराद मान लेते हैं कि बहू आ गई या बहू आने वाली है तो बेटे की बदौलत दहेज में वो सब कुछ हासिल कर लिया जाए। जो जो जिंदगी की ख्वाहिशें हैं उसे इसी में हासिल कर लो, अपने आप पे कोई भरोसा नहीं। जबकि जो जलाते हैं या जो मारते पीटते हैं दहेज के लिए, वो भी कहीं ना कहीं एक बेटी की पिता होते हैं या उसके भाई होते हैं, लेकिन उन लोगों की जो अपनी अपेक्षा होती है वो बहू से होती है, वो चाहते हैं कि उससे पूरा कर ले। लेकिन जब खुद की बेटी पर इस तरह का आता है तब बोलते हैं कि भाई जमाना तो बहुत बुरा है, लेकिन वो बहू को खुद अपनी एक बेटी की तरह पूर्ति नहीं होती है तो उसे मार देते हैं जी हैवान लोग जी। और ये देखिए मतलब ये इसके जड़ में वही है कि लोभ, लोभ पाप का बाप जी। जो कहा गया है तो भाई लोभ होनी चाहिए लेकिन अपने मतलब पुरुषार्थ पर होनी चाहिए कि हाँ उम्मीद रखो तो अपने पुरुषार्थ पर रखो कि हमारे तकदीर से हमारे पुरुषार्थ से जो हमें हासिल होगा बस उससे संतुष्टि करो, ना कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ तो ज्यादा से ज्यादा जी, जी, ना कि किसी मासूम को अपने घर पे लाकर और उसे प्रताड़ित करने और अपनी लोभ की पूर्ति करने के लिए तो नहीं प्रताड़ित करना चाहिए जी। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर, गोपालगंज नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें जो भी सिटी है, जो गोपालगंज शहर है, उसमें जहाँ कहीं भी रास्तों के साइड साइड में ठेले वाले या जो दुकानदार हैं वो अतिक्रमण कर रखे हैं ज़मीन को, जिससे जो राहगीर हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, और आपको कहीं भी अपना गाड़ी को ही पार्किंग करना होता है, इसमें भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो ये खबर है, ये 2 दिन से अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान के तहत जो भी रास्तों पे लगे हुए दुकानें हैं उनको पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। तो राम परवेज, ये खबर तो एक अच्छी खबर है जी। देखिए गोपालगंज नगर क्षेत्र में जी बराबर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, और बराबर और चलने के बाद उनको साफ किया जाता है, फिर वो लोग वहाँ पे परंपरागत तरीके पे अपने स्थान पकड़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर अतिक्रमणकारी कब्जा करते जी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, जब अतिक्रमण को हटा दिया गया उसका पब्लिसिटी कर रहे हो तो कम से कम स्थायी लोगों को निजात मिलनी चाहिए, स्थायी निजात मिलनी चाहिए जाम की समस्या जी जी। एक तो जाम मान लीजिए कि उसमें दुर्घटनाएं भी हो जाती है, दुर्घटनाएं और आपका उससे जा रहे हैं रास्ते से तो घंटों लग जाता है आपको इस तरफ से उस तरफ जाने में, सिटी को पार करने को लेकर जा रहे हैं या किसी इमरजेंसी काम से जा रहे हो या अन्य जरूरी काम से हो,
तो रेंगना पड़ जाता है और कई कई घंटे शहर में लगाने पड़ जाते हैं। इधर मान लीजिए कि इधर दुकानदार वाले ठेले वाले हो जाते हैं, इधर खोपचे वाले हो जाते हैं, इधर तो इस तरह से बहुत ही परेशानी हो जाती है राहगीरों को। और लेकिन दुर्घटनाएं भी होती रहती, दुर्घटनाएं भी होती रहती है। हालांकि इसमें अब एक और भी मान लीजिए खबर है कि इससे ठेले और जो और दुकानदार हैं उन लोगों के रोजगार पे थोड़ा ये जो खबर है वो मार करेगा। लेकिन अगर इन लोगों को पूरी तरीके से हटाया जाता है तो एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो तो फिर से अपना रोजगार दूसरी जगह से कर लेंगे, स्थान पर कर सकते हैं जहां उन्हें स्पेस मिल जाए, बढ़िया से खुली जगह हो जी। और ये नहीं है कि भाई जहां भीड़ लगी हुई हो पूरी तरह से जाम की स्थिति वहीं पे उनका रोजगार चलेगा, ऐसी भी बात नहीं है जी जी। वो जहां पे कर लेंगे वहां पे कस्टमर जाने शुरू हो जाएंगे, जगह जहां उन्हें मिले। तो नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन इसको सक्षम और सक्सेस बनाने के लिए उसे हमेशा अगर चलाते रहें तब जाकर कहीं साफ हो पाएगा। नहीं तो एक साइड से जेसीबी चलता है और दूसरी साइड से फिर वो ठेले वाले अपना अपना स्थान पकड़ते जाते हैं। तो इस तरह से कम नहीं होना चाहिए, तो उसका व्यवस्था स्थायी होना जी जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।